क्लोरोफाइसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कॉमन नेम देखेंगे हम इनके, मेजर पिगमेंट्स देखेंगे, सोफूट देखेंगे, सेल वॉल देखेंगे, फ्लैजलार नंबर देखेंगे, ठीक है, हैबिटेट देखेंगे। क्लोरोफाइसी की बात करेंगे तो क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या रहता है, सबसे ज़्यादा रहता है क्लोरोफिल ए और बी रहता है, जिसकी वजह से ये ग्रीन रहता है, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है, ठीक है। और स्टोर्ड फूड की बात करेंगे, दैट इज स्टार्च, ठीक है। सेल वॉल किसकी है, सेलुलोज की है। अगर तुम मान लो कोई भी प्लांट, अगर मतलब प्लांट तो ग्रीन ही है, मतलब जो भी चीज़ ग्रीन है ना, तो उसके पास ना सेल वॉल ज़्यादातर सेलुलोज की होती है, ठीक है। तो इजी है याद रखना, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्या फ्लैजला की बात करेंगे तो फ्लैजला कितने होते हैं, 2 से 8 होते हैं, इक्वल होते हैं और अपाइकल होते हैं, ठीक है। हैबिटेट की बात करेंगे, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्टी वाटर में मिलेंगे, ठीक है। फिफाइसी की बात करेंगे, दैट इज़ ब्राउन एल्गी, ठीक है। इनके पास क्या रहता है, पिगमेंट रहेंगे, क्लोरोफिल ए रहेगा, सी रहेगा और क्या रहेगा, फ्यूकोजेंथिन रहेगा, जिसकी वजह से ये ब्राउन 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 होने लगता है। मतलब इनकी अगर बात करेंगे ना, तो इनमें क्या रहता है, थोड़ा ग्रीनिश ब्राउन ऐसे करके रहता है। मतलब ज़रूरी नहीं है, अगर किसी में मान लो क्लोरोफिल ए ज़्यादा है, फ्यूकोजेंथिन कम है, तो ये कम ब्राउन रहेंगे, मतलब ग्रीन भी रहेंगे ब्राउन भी रहेंगे, तो ग्रीनिश ब्राउन कुछ ऐसे रहते हैं, ठीक है। अब स्टोर्ड फूड की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, मैनीटोल एंड लैमिनेरिया मिलते हैं इनके अंदर, ठीक है। और सेल वॉल किसकी रहती है, सेलुलोज एंड एल्जिन की रहती है, ठीक है। इनके पास 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजला होते हैं, ठीक है। और किस में रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, ब्रैकिश वाटर और शॉल वाटर दोनों में रहते हैं। रोडोफाइसी की बात करेंगे, आर से ही पता चला होगा, तो वो रेड एल्गी, ठीक है। रेड एल्गी के अंदर क्या होता है, फाइकोएरिथ्रिन रहता है, जो कि इसको क्या देता है, रेड कलर देता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए रहता है और डी रहता है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ तुमको मतलब याद करने का है, क्लोरोफाइसी की बात करी हमने, इसमें क्लोरोफिल ए रहता है, ठीक है, और बी रहता है। उसके बाद हम आ गए, देखो क्लोरोफिल ए ना सब में कॉमन है, इन सब में क्लोरोफिल ए कॉमन है, तो ये याद कर लो। फ्यूफाइसी की बात करेंगे तो इसमें क्या था, इसे हटाओ, तो इसमें क्या था, इसमें देखो क्लोरोफिल सी है। और अगर फ्यूफाइसी की, रोडोफाइसी की बात करेंगे तो इसमें क्या है, क्लोरोफिल डी है। तो याद हो गया, ये इजी याद हो गया तुमको, ठीक है। अब स्टोर्ड फूड याद कर लो, ठीक है, स्टार्च है सबसे पहले, क्लोरोफाइसी में स्टार्च है, ठीक है। दूसरे में याद कर लो तुम, फ्यूफाइसी में याद कर लो तुम मैनीटोल एंड लैमिनेरिया, और रोडोफाइसी में याद कर लो तुम फ्लोरिडियन स्टार्च, ओके। आप देखो यहाँ पे सेल वॉल की बात करेंगे तो सेल वॉल कैसी होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। पैक्टिन होता है और पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी लगे रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। फ्लैजला इसके अंदर अब्सेंट रहते हैं, और ये किस में मिलते हैं आपको, फ्रेश वाटर में मिलेंगे, ब्रैकिश वाटर में मिलेंगे और सॉल्टी वाटर में भी मिल जाएंगे। तो तुमको चार्ट ये अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मतलब तुमने इतनी थ्योरी पढ़ी है ना, तो वो थ्योरी यहाँ पे ना मतलब थोड़ी सी कम जगह में लिख दी गई है पूरी, ठीक है। यहाँ पे तुम अच्छे अच्छे से डिटेल में लिख लो। और हाँ देखो, मैंने तुमको क्या बताया था, ये मैंने तुमको बहुत प्रोमिनेंट करके बताया था कि फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किससे सिमिलर रहता है, किससे सिमिलर रहता है, कमेंट बॉक्स में बताओ जिस जिसको याद है अभी तक। इसका स्ट्रक्चर सिमिलर रहता है एमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन से, ठीक है। किससे, एमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन से, ओके, समझ में आ गया इतना। चलो, तो मैंने तुमको ये पूरा बता दिया है।